हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हॉररलैंड। आई होप आप सभी लोग सेफ एंड सिक्योर ही होंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये वीडियो एक टर्किश हॉरर मूवी पर होगा, और इसीलिए आपको टर्किश हॉरर मूवीज़ के बारे में थोड़ा सा जान लेना चाहिए। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि टर्की अपने ब्लैक मैजिक और तंत्र मंत्र के लिए जाना जाता है। जितनी मौतें यहाँ पर एक्सीडेंट से नहीं होती, उससे कई ज़्यादा मौतें ब्लैक मैजिक के कारण होती है। लोग अपनी दुश्मनी और बदला लेने के लिए एक दूसरे पर ब्लैक मैजिक करते हैं, और कई बार असल ज़िंदगी पर ये मूवीज़ बेस्ड होती है। खैर, ये तो हो गई मूवी की बातें, अब हम आते हैं हमारे वीडियो की तरफ। इस मूवी का नाम है काराबुयू, जो कि उस हेल्पलाइलर की सीरीज़ में आती है, जिसे हेल्पर मैथ जी ने डायरेक्ट किया है, और इसके IMDB रेटिंग 6.7 आउट ऑफ 10 स्टार्स है। और इस मूवी में कई गहरे राज दबे हैं, तो इस वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक जंगल का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक गुफा मौजूद होती है, जिसके अंदर एक लड़की होती है जो कि काफ़ी डरी और सहमी हुई सी दिखाई देती है। और हम एक टेक्स्ट को देखते हैं, जिसका मतलब ये था कि मूवीज़ में सारे कैरेक्टर्स के नाम लीगल कारणों के चलते बदल दिए गए हैं, यानी कि ये मूवी भी सत्य घटना पर ही आधारित है। अगले सीन में हम एक घर को देखते हैं, जिसमें एक कपल रेंट पर अभी अभी रहने आया था, जिसका नाम था कादिर और डिलेक। कादिर अपनी जॉब पर था और डिलेक अपनी लैंडलॉर्ड LF से कुछ डॉक्यूमेंट्स के सिलसिले में बातें कर रही थी। तभी वहां का गेट नॉक होता है और कादिर की मॉम यानी कि डिलेक की मदर इन लॉ उनसे मिलने आ जाती है, क्योंकि कादिर डिलेक के साथ अलग रहता था। अपनी माँ को अकेला छोड़कर डिलेक अपनी मदर इन लॉ और एलेव के लिए चाय लेकर आती है, जिससे तीनों पीते हैं। और चाय खत्म करने के बाद डिलेक के पास कादिर का फ़ोन आता है, और कादिर की माँ वॉशरूम का कहकर डिलेक के किचन में चली जाती है, जहाँ पर वो उन चाय के खाली ग्लास से दो चाय के ग्लास उठाकर अपने बैग में डाल लेती है, और बचा हुआ एक ग्लास ज़मीन पर गिराकर तोड़ देती है, और खुद भी गिरने का बहाना बना लेती है ताकि किसी को उस पर शक न हो। ग्लास गिरने की आवाज़ से डिलेक और एलेव किचन में जाती है, और कादिर की माँ कहती है कि वो किचन में दवाई लेने गई थी, लेकिन उसे चक्कर आ गया और वो ज़मीन पर गिर गई, जिसके बाद डिलेक उसे संभालती है और एलेव उसे टैक्सी से उसके घर पहुँचा देती है, जहाँ पर वो अपने पति यानी कि कादिर के फादर के साथ रहती थी। घर पहुँचकर कादिर की माँ उन चुराए हुए ग्लास को निकालती है और अपने पति के पैर में ब्लेड से कट लगाकर उसका खून निकाल लेती है। कादिर के फादर पैरालाइज्ड थे और सारा दिन बेड पर ही पड़े रहते थे और कुछ बोल भी नहीं पाते थे। कादिर की माँ अपने पति का खून निकालती है और एक लीच को उसके घाव पर छोड़कर चली जाती है, और अंदर जाकर वो उन ग्लास को तोड़कर कोई ब्लैक मैजिक के स्पेल करती है, जिसमें वो अपने पति का खून यूज़ करती है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ हलचल होना शुरू हो जाती है, और ये सीन यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगले सीन में हम एलेव को अपने घर पर देखते हैं, जहाँ पर वो कादिर यानी कि डिलेक के पति से बातें कर रही थी। वो कादिर से कहती है कि उससे ऐसा लग रहा था कि डिलेक को उनके इस अफेयर के बारे में पता चल गया है। एलेव की बातों से हमें पता चल रहा था कि एलेव का उसके ही टेनेंट कादिर से अफेयर चल रहा था। कादिर एलेव से कहता है कि उसने उसके पति को सब बता दिया है, और बोलते बोलते वो रुक जाता है, जिससे कि एलेव घबरा जाती है और देखती है कि ये बस एक सपना था। तभी उसकी बेटी एडा उसे अपने कमरे से आवाज़ लगाती है, और जब एलेव वहाँ पर जाती है तो वो अपनी बेटी एडा की लाश को उल्टा लटका हुआ पाती है, जिससे कि वो डर जाती है और ड्राइंग रूम में जाती है, जहाँ पर वो अपने आप को उसी पोजीशन में कादिर के साथ देखती है, जैसा कि उसने उसके सपने में देखा था। और तभी एडा का एक डरावना रूप देखती है, जिससे कि वो घबरा जाती है। और पीछे से एलेव का पति बिरोल वहाँ पर आता है और एलेव को शांत करता है। इधर डिलेक अपने घर पर अपने पति कादिर को बताती है कि उसकी माँ यहाँ पर आई थी और उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, जिससे कि कादिर उसी वक्त अपनी माँ को फ़ोन लगाता है और उसका हालचाल पूछता है। फिर कादिर डिलेक से एलेव के बारे में पूछता है और वहाँ से चला जाता है, लेकिन किचन में डिलेक कादिर का एक डरावना रूप देखती है और डर के मारे ज़मीन पर गिर जाती है। अगली सुबह डिलेक जब अपनी नींद से जागती है तो अपने पैर पर एक घाव का निशान देखती है, जिसके बाद कादिर अपने ऑफिस के लिए निकल रहा होता है और वो कहता है कि वो आते वक्त अपनी माँ से मिलकर आएगा।
डिलेक अपना काम करने लौट जाती है कि तभी दरवाजे पर कादिर फिर आता है और उसके साथ एक औरत भी होती है जो काफ़ी अजीब लग रही थी, जिसे वो पानी पिलाने का कहता है। और जब डिलेक पानी लेकर वापस आती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता और तभी एक खून से लथपथ बैग जमीन पर गिरता है, जिससे कि वो डर जाती है और ऊपर वाले रूम से किसी बूढ़ी औरत के खांसने की आवाज़ आती है, जिसे देखने के लिए डिलेक ऊपर जाती है। लेकिन उस रूम का दरवाज़ा खुद वो बूढ़ी औरत खोलती है जो कि काफ़ी डरावनी दिख रही थी, जिससे भागकर डिलेक घर के बाहर चली जाती है और वहीं पर बैठी रहती है। एलेव के घर सभी ब्रेकफास्ट करते हैं, जिसके बाद बिरोल अपने ऑफिस चला जाता है और एडा अपने स्कूल चली जाती है। और अब एलेव अपने घर पर अकेली थी, वो भी अपने हाथ पर एक घाव का निशान देखती है और तभी किचन का सारा सामान अपने आप इधर उधर होने लगता है और पूरा किचन तहस नहस हो जाता है। फिर एकदम उसका फ़ोन बजने लगता है, जिस पर बिरोल कहता है कि एडा की स्कूल बस का एक्सीडेंट हो गया है। और फिर एलेव एडा के स्कूल में फ़ोन करती है, लेकिन प्रिंसिपल बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और एडा अपने क्लास में ही बैठकर पढ़ाई कर रही है। डिलेक अपने आप को ठीक करने के लिए बाहर टहलने निकल जाती है, लेकिन रास्ते में उसे एक खाली घर में कादिर अपनी सेक्रेटरी के साथ दिखाई देता है और तभी अचानक एक डरावनी औरत उसके सामने आ जाती है, जिससे कि वो काफ़ी डर जाती है और सब कुछ एकदम गायब हो जाता है। एलेव किचन साफ कर रही थी कि डिलेक उसके घर पर आ जाती है, जिसे देखकर एलेव चौंक जाती है और डिलेक उसे बताती है कि उससे पिछली रात से काफ़ी अजीब अजीब विजन्स आ रहे हैं, जब से उसकी मदर इन लॉ उनसे मिलकर गई है। और थोड़ी बहुत बात करने के बाद डिलेक वहाँ से चली जाती है। कादिर अपनी माँ के घर उसकी माँ से उसके हालचाल पूछने जाता है, जो कि अब ठीक थी। कादिर की माँ उससे एलेव के बारे में पूछती है, जिस पर कादिर उससे कहता है कि उससे एलेव के बारे में बातें ना किया करें, और वो वहाँ से जाने लगता है। और तभी कादिर के फादर, जो कि अपने बेड पर थे, वो टेबल से कुछ गिराकर कुछ कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन कादिर की माँ उसे उठाकर वापस टेबल पर रखती है और कादिर को गुड बाय कहती है। कादिर के जाते ही उसकी माँ अपने पति से कहती है कि अगर उसने ज़्यादा होशियारी की तो वो उसके पूरे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर देगी और कीड़े मकोड़ों को खिला देगी। तो कौन थी एलिफ और क्या रिश्ता था उसका कादिर और उसकी माँ से, ये तो वीडियो के एंड में ही पता चलेगा। तो वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहे। हम एलेव को देखते हैं जो कि बर्तन साफ कर रही थी, और तभी एडा खिड़की पर आती है और उसकी माँ से हेल्प करने को कहती है, जिसे कि एलेव मना कर देती है और एडा उसे वहाँ से जाने को कहती है। और वापस एडा उसी तरह से आकर हेल्प करने को पूछती है जैसे कि वो पहले आई थी, जिससे कि एलेव चौंक जाती है और एडा का चेहरा भयानक हो जाता है, जिससे डरकर एलेव अंदर चली जाती है जहाँ पर अब लाइट जा चुकी थी। एलेव एडा को ढूंढते ढूंढते एटिक में आ जाती है, जहाँ पर वो एडा को एक डरावनी औरत के साथ देखती है, जिससे कि एडा काफ़ी डर जाती है और वहाँ से भागकर सीधा एडा के कमरे में जाती है, जहाँ पर वो एडा को सोता हुआ पाती है। इधर डिलेक अपने रूम में कादिर के पास सो रही थी, उसे सपना आता है जिसमें वह उस गुफा वाली लड़की को आईने के सामने खुद से बातें करता हुआ देखती है। और तभी डिलेक के फ़ोन पर एक कॉल आता है जिस पर कादिर था। वो कहता है कि उसके पास जो सो रहा है वो कादिर नहीं है, जिससे डरकर डिलेक उठ खड़ी होती है और कादिर भी उठकर एक अलग ही रूप में आ जाता है। हम डिलेक के पीछे एक बुरी परछाई को देखते हैं, जो कि बिल्कुल उसके पीछे खड़ी हुई होती है। और तभी असली कादिर भी अपनी माँ के घर से लौटकर आ जाता है, जो कि डिलेक को देखकर कहता है कि ये सब एलेव की वजह से ही हो रहा है। अगले दिन एलेव अपनी एक फ्रेंड से मिलती है, जिसे वो अपनी पूरी परेशानी बता देती है, और उसकी फ्रेंड उसे एक मीडियम यानी कि जानकार के पास ले जाती है, जो कि इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी कुछ जानती थी। इधर कादिर की माँ एक प्लेट में कुछ मिलाती है, जिसमें कि वो रेंगने वाली लीच के साथ साथ कुछ स्पेल भी थे, और ये वो अपने पति को ज़बरदस्ती खिला देती है। इधर एलेव उस जानकार के पास बैठी थी, जो कि एलेव के बारे में बिल्कुल सही सही बातें बताती है कि उसका चक्कर किसके साथ चल रहा है वगैरह वगैरह। फिर वो जानकार एलेव से कहती है कि उस पर काला जादू किया गया है, जिसमें कि कादिर और उसकी माँ दोनों इन्वॉल्व है। वो उससे कहती है कि वो कादिर से जितनी ज़्यादा दूरी बनाए उतना ही अच्छा है और वापस उसके घर कभी भी ना जाए। हम फिर उस गुफा वाली लड़की को देखते हैं, जो कि पागल जैसी हो गई थी और काफ़ी दर्द में भी थी, और हम उसके पीछे एक काली सी बड़ी परछाई को देखते हैं, जो कि बिल्कुल उसके पीछे खड़ी हुई थी।
अब यहाँ एलेव अपने घर पर एडा के पास थी। एडा उसे बताती है कि उसने एक बुरा सपना देखा और वो पहले तो उस सपने के बारे में नॉर्मल वे में बताती है, फिर धीरे धीरे उसका टोन बदल कर काफी अजीब हो जाता है और वो कबूट की तरफ इशारा करती है जहाँ पर एक अजीब तरीके का क्रीचर एलिव को दिखाई देता है, जिससे कि वो घबरा जाती है और काफी डर जाती है और देखती है कि एडा तो वहीं पर सो रही है। वहाँ से निकलकर एलिव अपने कमरे में आती है जहाँ पर उसे फिर एडा दिखाई देती है जो कि कादिर के साथ बैठी थी और वो ये कहती है कि उसने कादिर से शादी कर ली है। और तभी अचानक वहाँ पर बिरोल आ जाता है, लेकिन तब तक वहाँ पर कोई भी नहीं होता। अगले दिन एलेव कादिर की माँ के घर जाती है और जब कादिर की माँ एलेव के लिए पानी लेने जाती है तो उसका पति फिर टेबल से कुछ गिराकर एलेव से कुछ कहने की कोशिश करता है और एलेव का हाथ पकड़ता है। जल्दी ही कादिर की माँ किचन से पानी लेकर वापस आ जाती है और एलिव उसे उसके साथ हो रही घटनाओं के बारे में बताती है और ये भी बताती है उसे एक जानकार से पता चला है कि ये सब कादिर की माँ ही कर रही है, जिस पर कादिर की माँ किचन में जाकर रोने लगती है और एलिव को एक ऐसा राज बताती है जिसे जानकर वो भी हैरान हो जाती है। वो बताती है कि कादिर एलिव नाम की एक लड़की से प्यार करता था जिसकी बाद में मेंटल कंडीशन खराब हो गई और उसे 4 महीनों के लिए मेंटल हॉस्पिटल में रखा गया, लेकिन जब डॉक्टर को उसकी हालत में कोई सुधार नहीं मिला तो उसे वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया। और जब कादिर उससे उसके घर पर मिलने पहुँचा तो वहाँ पर उसने एलिफ की बहन डिलेक को देखा तो दोनों एक साल तक एक दूसरे को डेट करते रहे और बिना किसी जानकारी के एक दूसरे से शादी कर ली। जब एलिव को इस बारे में पता चला तो वो और ज़्यादा सदमे में आ गई और सबसे दूर भाग गई, जिसके बाद किसी ने उसे नहीं देखा और कुछ लोगों का कहना है कि वो जंगलों में रहकर शैतान की चपेट में आ गई और शायद ये सब वही कर रही है। कादिर की माँ बताती है कि वो भी उन सपनों से काफ़ी ज़्यादा परेशान है और इसीलिए उस दिन वो अपने बेटे से मिलने आई थी। वो बताती है कि कादिर के पिता की इस हालत की वजह भी एलिव ही है, लेकिन वो उसका कुछ नहीं कर सकते। एलिव वहाँ से निकल जाती है और रास्ते में भी उसे एलिव का एक डरावना रूप दिखाई देता है, जिससे कि वो काफ़ी डर जाती है और अपने घर पर जैसे तैसे पहुँचती है। अब शाम हो चुकी थी और हम देखते हैं कि कादिर की माँ कुछ बड़ा और ख़तरनाक प्लान कर रही थी। वो अपने आप से कहती है कि आज उसकी ज़िंदगी की आखिरी रात होगी और डिलेक भी अपनी बहन की ही तरह तड़पेगी। कादिर की माँ अपना काला जादू शुरू करती है और उसके मंत्र पढ़ते ही कुछ अजीब होने लगता है। एलेव और डिलेक दोनों ही अजीब तरह से तड़पने लगती है और एक शैतानी परछाई उनके बिल्कुल पास आ जाती है और उन्हें ही घूरती रहती है। जैसे जैसे कादिर की माँ मंत्र पढ़ रही थी वैसे वैसे उसका असर एलेव और डिलेक पर बढ़ रहा था और हम देखते हैं कि गुफा में बैठी हुई वो औरत भी कोई तंत्र मंत्र शुरू करती है और वो सीधा कादिर की माँ के सामने आ जाती है, जिससे कि कादिर की माँ का तंत्र मंत्र रुक जाता है और डिलेक और एलेव भी नॉर्मल हो जाती है। कादिर के पास अपनी माँ का फ़ोन आता है जो कि कॉल पर कुछ नहीं बोलती, जिससे कि कादिर घबराकर अपनी माँ के घर चला जाता है जहाँ पर एलिफ उसका इंतज़ार कर रही थी। कादिर के अपने घर पहुँचते ही एलिफ उस पर चाकू से हमला कर देती है, जिससे कि कादिर मारा जाता है, जिसके बाद वो कादिर के पिता के पास आती है लेकिन वो उसे नहीं मारती और फिर वो डिलेक के घर की तरफ आ जाती है डिलेक के पास और ये सीन यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगले दिन एलेव डिलेक के पास आती है जहां डिलेक एलेव को बताती है कि कादिर की माँ ने एलिफ पर काला जादू किया और कल रात एलिफ ने सारी बातें डिलेक को बताई। एलिफ ने डिलेक को बताया कि वो कादिर के बच्चे की माँ बनने वाली थी और कादिर की माँ ने उसका बच्चा अपने काले जादू से गिरवा दिया, लेकिन जंगल की उस गुफा में एलिफ को कुछ जिन्न ने प्रोटेक्ट किया, जिसकी मदद से एलिफ ने कादिर और उसकी माँ से बदला लिया। उसने उन चाय के ग्लास से उन पर काला जादू किया था जिसमें से एक कप एलिव का भी था और इसीलिए एलिव कादिर की माँ की चपेट में आ गई। मूवी के एंड में दिखाया जाता है कि किस तरह से एलिव ने कादिर की माँ को मारा और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।
दोस्तों वैसे तो मूवी में ही सारी चीजें क्लियर हो जाती है कि आखिरकार क्यों एलेविलेक के साथ ऐसा हुआ और जंगल की गुफाओं में रहने वाली वो औरत एलिफी थी जो कादिर से प्यार करती थी, लेकिन कादिर की माँ ये नहीं चाहती थी कि कादिर उससे दूर जाए, इसीलिए उसने अपने काले जादू से एलिफ को पागल कर दिया। लेकिन कादिर ने फिर एलिफ की बहन से शादी कर ली जो कि कादिर को उसकी माँ से दूर ले गई। कादिर के पिता अपनी पत्नी के काले जादू के बिल्कुल खिलाफ थे, इसीलिए उसने उन्हें भी कुछ बोलने लायक नहीं छोड़ा। जंगल में एलिफ को कुछ जिन्ने ने प्रोटेक्ट किया और उसे कुछ शक्तियाँ भी दी जिससे कि उसने अपना बदला लिया। एलिफ तो बस यूं ही इसका शिकार बनी, लेकिन उसने जो किया उसके लिए ये सज़ा शायद ठीक ही थी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि और भी कई सारे वीडियोस जल्द ही आने वाली है।